One, two, three, four, and five. आप लोग सब परेशान मत हो और ये मत देखें कि ये मैंने क्यों दुकान लगाई हुई है इन सब चीज़ों की। तो आज मैं आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में रिव्यूज़ दूंगी ताकि आप लोग भी बेवकूफ़ी ना करें, गलती ना करें, कौन सी प्रोडक्ट खरीदी है कौन सी नहीं खरीदी, फजूल के पैसे वेस्ट नहीं करने आप लोगों ने, उस प्रोडक्ट के पैसे वेस्ट करने जो कि अच्छी हो। स्टार्ट करते हैं लॉरियल से। ये मेरे पास तीन इसकी चीज़ें हैं जिसमें से एक कंडीशनर है और दो शैम्पू हैं। तो ये वाला शैम्पू है पर्पल वाला और एक ये मैंने यूज़ किया है इनका शैम्पू और ये इनका है एक कंडीशनर। ओके, ये कंडीशनर है, सही है, ये दो शैम्पू है और ये कंडीशनर है। तो जहाँ तक रही शैम्पू की बात, दोनों को मैंने चेक करके देख लिया। मैं कहूँगी कि आप लोग पैसे वेस्ट मत करें, सही है, क्योंकि मुझे शैम्पू अच्छा नहीं लगा। बहुत ज़्यादा बाल ड्राई किया, अभी मैंने इससे वॉश किया, मेरे बाल बहुत ड्राई हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई चुके हैं। ये मैंने फर्स्ट सेकेंड वॉश से नहीं पता चला मुझे, मैंने जब 3-4 वॉश किया अपने बालों को तो मुझे पता चला मेरे बालों को बहुत ड्राई कर रहा है ये और मेरे सर में और डैंड्रफ हो रही है इसकी वजह से। तो मैं इन दोनों को रिकमेंड नहीं करूँगी आप लोगों को। बाकी आप लोगों को अगर सूट कर रहा है तो आप लोग यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इन दोनों को आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर सकती। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम शैम्पू से। तो एक तरफ मेरे पास हेड एंड शोल्डर, दूसरी तरफ मेरे पास लॉरियल का शैम्पू है। अगर मैं इन दोनों को एक साथ कंपेयर करूँगी तो मैं कहूँगी कि ये बेस्ट है। मैंने जहाँ तक दोनों को करके देख लिया है, मैंने लॉरियल का, मुझे मैंने सुनी थी तारीफ बहुत के लॉरियल के शैम्पूस बहुत अच्छे हैं, तो सबसे पहले मैंने ये पर्पल वाला ट्राई किया, ये पर्पल वाला ट्राई किया था तो बस ठीक है, अच्छा लगा, लेकिन ऐसा उतना अच्छा नहीं है। और उसके बाद मैंने ये वाला ट्राई किया, किसी ने कहा कि नहीं ये वाला फ्लेवर नहीं, ये वाला टेस्ट कर, ये वाला चेक करके देखे, तो मैंने ये वाला भी मंगवाया और मैंने लगाया। तो इन दोनों को लगाने के बाद, मैंने वन वीक यूज़ किया, इन दोनों को लगाने के बाद मुझे पता चला कि मेरे बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं और जिसकी वजह से मेरे सर में डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो खैर, मैं इन दोनों को रिकमेंड नहीं करूँगी आपको, आप प्लीज़ पैसे वेस्ट मत करिएगा इन दोनों को। मैं रिकमेंड करूँगी ये हेड एंड शोल्डर, नाइस, बहुत अच्छा है, एंटी डैंड्रफ है ये और आपके बालों को ड्राई भी नहीं देता, आपके बालों में डैंड्रफ भी नहीं रहने देता, ये बेस्ट है ये। मैं स्टार्टिंग में शुरू से ये यूज़ कर रही थी, लोग मुझे लगा कि कुछ चेंज करना चाहिए, तो मैंने इसलिए वो लॉरियल का चेक किया तो मुझे बिल्कुल भी रास नहीं है, मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं किया, तो मेरे लिए यही बेस्ट है भाई। आप लोग में से कौन कौन है जो हेड एंड शोल्डर यूज़ करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके चलें जी, अब आते हैं कंडीशनर के ऊपर। कंडीशनर मेरे पास दो हैं, एक मेरे पास है ये ट्रेसमी का और एक मेरे पास है लॉरियल का, ये इसका मैंने शैम्पू यूज़ किया था और ये कंडीशनर। अगर मैं इन दोनों कंडीशनर को कंपेरिजन करूँगी तो मैं कहती हूँ कि ये वाला बेस्ट है, आप ये वाला खरीदें, बेस्ट है ये, बिल्कुल क्रीमी है ये और ये आपके बालों को बहुत स्मूथ करता है। बहुत ज़्यादा केमिकल है इसमें, बहुत ज़्यादा। मैं स्टार्टिंग में ये यूज़ कर रही थी लेकिन मुझे कुछ ऐसा इतना कोई रिजल्ट नहीं मिला इसका, लेकिन मैंने जब ये वाला यूज़ किया तो मैं कहती हूँ अगर मैं दोनों को कंपेरिजन करूँगी तो ये बेस्ट है। जिन लोगों ने केराटिन करवाया हुआ है, रिबॉन्डिंग करवाई हुई है, एक्सटेंसो करवाया हुआ है, ये मेरी तरह ड्राई करवाया हुआ है, कलर करवाया हुआ है कोई भी, तो ये कंडीशनर मैं रिकमेंड करूँगी कि ये आप लोग यूज़ करें, ये बेस्ट है। एक तो ये क्रीमी शक्ल में है बहुत, और आप जब आप वॉश करके आते तो आपको खुद फील हो रहा होता है, आपके बाल जो है ना बहुत वो सिल्की से और बहुत मज़े के लग रहे होते हैं। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ये वाला जो है कंडीशनर आप यूज़ करें लॉरियल का, बहुत अच्छा है। और जहाँ तक रही ट्रेसमी की बात, तो ट्रेसमी बहुत ज़्यादा केमिकल है ट्रेसमी में, तो मैंने वो बायकॉट कर दिया, मैं यूज़ नहीं करूँगी। हालाँकि मेरी जो पूरी बॉटल अभी ये फिल है तो मैं अभी इसको यूज़ करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इससे मेरे बाल बहुत ख़राब हो रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा केमिकल है। तो बस आज मैंने आपको बताया कि आपको कौन सा शैम्पू और कौन सा कंडीशनर यूज़ करना चाहिए, ये बेस्ट है मेरी नज़र में। आप लोग एक बार ये ट्राई करके देखिएगा शैम्पू, और अगर जिनके बाल कलर नहीं हैं, जिनके वर्जिन बाल है ब्लैक है, तो वो शैम्पू यूज़ करें। मैं उनको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप कोई कंडीशनर यूज़ करें, कोई मास्क यूज़ करें, क्योंकि उनके ऑलरेडी बाल ऐसे हैं, स्ट्रेट है। हम लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों ने करवाए हुए कलर वगैरह तो बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, कलर, रिबॉन्डिंग, केराटिन या कुछ भी करवाओ, तो कंडीशनर बहुत ज़रूरी होता है हम लोगों को यूज़ करना। तो जिन लड़कियों ने केराटिन करवाया हुआ, कलर करवाया हुआ, वो ये वाला जो है, आप लोगों को सही नज़र आ रहा है, ये वाला कंडीशनर यूज़ करें आप लोग, बेस्ट है।
सो करती हूँ मैं वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी और जो मैंने आज आपको बताया वो ट्राई करिएगा और उसके बाद आप रिज़ल्ट देखिएगा। अपने पैसे फजूल वेस्ट मत करिएगा। इस तरह की बहुत सारी टिप्स मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी और दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब फॉर मोर।